नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। उज्जैन के नीलगंगा थाने इलाके में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बीच बचाव करने आई भाभी ने भी हत्यारे को ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया। दरअसल अंबर कॉलोनी में रहने वाले सुरेश का बच्चों को पीटने को लेकर छोटे भाई से विवाद हुआ था। दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई ने चाकू मारकर खुद की ही भाई की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक मृतक सुरेश प्लम्बर था, जबकि उसका छोटा भाई प्रेम नशे का आदी है। पुलिस ने भाई के हत्यारे प्रेम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पापा को ना घर में थे, घर में लड़ाई करी ना, वो मेरे पापा ने मतलब मैं भाई को मार रहे थे, ये है मेरा भाई, इसको मार रहा था। इसको बचाने के लिए मेरे पापा ने चाचू को गला घोटा, और गला घोटने के लिए तो पापा चाचू उठा तो उनने चाचू ने पापा का सर पकड़ा, तो फिर दोनों के अंदर लड़ाई हुई। मम्मी छुड़ा रही अकेली और हम तो डर रहे और हम डर रहे, तो फिर चाचू चाकू ले आया और चाकू से वही यहाँ पे वो सर खड़ा वहाँ पे मार दिया आके, और उसका सर फोड़ दिया मम्मी ने। उधर और इधर खून भग रहा है, और उसने मेरे पापा को मुँह पे मारा मुँह के और चाकू पीठ में घुसड़ी। छोटू नाम है, सुरेश रायकवार। चाचू भर्ती, वो भी एडमिट बता रहा है। भर्ती है, मुस्कान रायकवार है मेरा। मैं तिल्ली बापरी में वहाँ पे पढ़ती हूँ, इंदौर गेट में, किंग्स कैंट कॉटवेट स्कूल मेरा स्कूल है। मृतक का नाम सुरेश, पिता संतोष है, उम्र करीब 40 साल है, निवासी अंबर कॉलोनी में रहता है। इसी का भाई आरोपी इसमें प्रेम, वो 35 साल का है। मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया है कि उसका लड़का डालचन है जो 10-12 साल का है। परसों आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, वो बच्चे के साथ मारपीट की बात को लेकर इनमें विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर आज मृतक सुरेश की हत्या की गई। भाई है, सगा भाई है, उसका छोटा भाई है आरोपी प्रेम। मृतक नल फिटिंग का काम करता था और आरोपी जो है वो मजदूरी करता था। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।